यार मैं इस वजह से परेशान हूं कि हमें किस चीज की नजर लग जाती है। बड़े खुश थे हम कि हमारी टीम को जो है डॉग्स टोकन से जो है प्रॉफिट होने वाला है। अब टेलीग्राम का आज ब्लैक डे निकल के आ गया, कल डॉग की जो है वो लिस्टिंग है, तो ये समझ से बाहर है कि कल को सीजी जो है वो अरेस्ट हुआ, आज ध्रुव को अरेस्ट किया गया और कल को जो है एलन मस्क जो है वो अरेस्ट होने वाले हैं। तो ये क्या सीन हुआ है, कैसे इनको अरेस्ट किया गया है, क्या वजह है? तो अब हमें डॉग टोकन जो है वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इनकी लिस्टिंग पोस्टपोन तो नहीं हो जाएगी, क्या ध्रुव को यहाँ पे 20 साल की सज़ा होगी या नहीं होगी? तो इस हवाले से बात करेंगे। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा यार, अगर आपने हमारी टीम ज्वाइन नहीं की तो लाजमी ज्वाइन करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक करके आल पे क्लिक करें। तो कल आप लोगों ने व्हाट्सएप चैनल के अंदर रेडी रहना है, कल शाम को 8 बजे से लेकर 9 बजे तक आपका भाई लाइव भी आएगा। जो भी आप लोगों ने बातें करनी होगी वो आप यूट्यूब पे आइएगा, वहाँ पे जो भी आपको सवाल करना है, कुछ पूछना है, कुछ शेयर करना है तो आप आके यहाँ पे कर सकते हैं। तो जब सुबह मैं उठा तो देखा कि ब्लैक डे टेलीग्राम का आज शुरू हो चुका था, तो मैंने कुछ न्यूज़ जो है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी शेयर की थी, जो कि टेलीग्राम के जो CEO हैं उनको जो है फ्रांस के अंदर जो है वो जब पेरिस में अपना लैंड किया उन्होंने अपने प्राइवेट जेट से, तो उनको जो है अरेस्ट किया गया। तो अरेस्ट करने के बाद हमको अब उनको जो है वो सज़ा दी जा रही है 20 साल की। क्या ये 20 साल की सज़ा होगी? अगर इनको 20 साल की सज़ा होती है तो टेलीग्राम कहाँ जाएगा? टेलीग्राम की इतनी मेहनत हमारी, इतने प्रोजेक्ट्स, वो कहाँ जाएंगे? तो इसका मतलब ये है कि टेलीग्राम के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनका भी ध्रुव के साथ जो है वो रिलेशन है, साथ है, मतलब वो ध्रुव का साथ देंगे। वो साथ इस तरह देंगे, मैं आपको बता भी देता हूँ। यहाँ पे जो है जब आप मेरे व्हाट्सएप चैनल के अंदर आते हैं यहाँ पे देखें, वैलेट की तरफ से भी यहाँ पे न्यूज़ आती है, बी क्वीन, एक्स एम्पायर, मीम फायर, डोरमेंट, हेक्साकोर, डॉट क्वीन, डब्ल्यू क्वीन, हैमस्टर, सब ने यहाँ पे एक कंपेन चलाई कि ध्रुव को जो है रिहा किया जाए। इसके बाद अगर ट्विटर के ऊपर आप आते हैं तो यहाँ पे हर बंदा, जो कि एलन मस्क भी उनमें शुमार होता है, वो कह रहे हैं कि ध्रुव को रिलीज़ करो, क्योंकि उनका कोई इसमें गुनाह नहीं है। रिसेंटली पीछे एक ध्रुव का बयान आता है वीडियो के अंदर, वो बताते हैं मेरी जो टीम है उसे अमेरिका जो है वो फोर्स कर रहे हैं कि आप अपना प्राइवेट डाटा, क्योंकि हम जो माइनर हैं, हम वर्क करते हैं टेलीग्राम के ऊपर, हमारा उनके पास डाटा, तो वो डाटा जो है वो अमेरिका वालों ने उनको कुछ लालच दी, पैसा दिया कि आपको हम इतना पे करेंगे, इतना पैसा देंगे, तो आप क्या करें, वो डाटा हमें दें। तो ध्रुव की जो टीम थी, टेलीग्राम की टीम, उन्होंने जो है वो उनकी बातों में नहीं आए, तो वो अपने जो है अपने जो उनके साथ वर्कर होते हैं जिनके पास वो काम करते हैं उनके साथ वो लॉयल थे ध्रुव के पास। तो इसके बाद यहाँ पे इनकी सुबह से कंपेन चली हुई है ट्विटर के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर। तो यहाँ पे जो है आप देखें हर जगह पे जो है यहाँ पे आपको ध्रुव की रिलीजिंग की जो है डेट मिलेगी। तो यहाँ पे जो है मैं आपको दिखाता हूँ फ्री ध्रुव, ये देखो। और इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारी न्यूज़ जो है वेब थ्री वाइब्स यहाँ पे भी, ये भी यहाँ पे जो है कह रहे हैं पोस्ट टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच सपोर्टर फ्री ध्रुव। यहाँ पे वेब थ्री वाइब एलन मस्क को जो है यहाँ पे क्या करते हैं उनको जो है वो करते हैं नोटिफिकेशन यहाँ से। इन्होंने क्या किया यार, मुझे इसका नाम भूल गया, इन्होंने हैशटैग लगा के यहाँ पे जो है उनको मेंशन किया, हाँ मेंशन किया। मेंशन करने के बाद उन्होंने एलन मस्क को बोला कि आप ही एक पोस्ट करें कि फ्री ध्रुव ध्रुव को जो है आपने रिहा करवाना है। तो यहाँ पे हु नीड गैस मनी फॉर डॉग्स ड्रॉप योर टोन, ये तो छोड़ दें आप। ये देखें विक्टोर द मैन दैट इज़ ऑलवेज रेडी टू फाइट फॉर PPL's राइट ऑफ प्राइवेसी। इसका मतलब ये है कि विक्टोर यहाँ पे क्या बता रहे हैं, सीधी सी चीज़ ये बता रहे हैं कि ध्रुव जो है वो अपनी टीम के लिए फाइट करता है, उनकी टीम का डाटा लोग मांगते हैं। अब आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, आपका पूरा डाटा व्हाट्सएप की कम्युनिटी के पास है, आप ट्विटर यूज़ करते हैं, आप यूट्यूब यूज़ करते हैं, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं आपकी प्राइवेट जो है चीज़ें उनके पास होती हैं। अगर वो आगे, क्योंकि वो जब आप कोई भी चीज़ जब अकाउंट बनाते हैं ना, वो प्राइवेट पॉलिसी वहाँ पे आ जाती है, पॉलिसी एग्रीमेंट आ जाता है, आप चेक करते हैं तो आगे जाते हैं, ये उसी चीज़ के खिलाफ है। यहाँ पे जो है विक्टोर खुद बता रहे हैं कि फ्री ध्रुव, यहाँ पे ध्रुव जो ऐसा एक बंदा है जो कि अपनी टीम के प्राइवेट डाटा के लिए वो फाइट करता है, वो लड़ता है, अपना प्राइवेट डाटा किसी को नहीं देता।
ये बात मैंने आपको पहले की कि अमेरिका से जो है इनको फोर्स किया गया था। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा और स्क्रॉल करें, डक कॉप, यहाँ पे फ्री दोर्व, यहाँ पे जो है हर बंदा यहाँ पे फ्री दोर्व दोर्व के पीछे जो है यहाँ पे लगा हुआ है। वेब थ्रीम फ्लिक्स, यहाँ पे इन्होंने भी बोला है, यहाँ पे एलन मस्क की तरफ से भी अपडेट इनकी आ चुकी है, वो भी इनको जो है, ये देखें शेयर योर टॉप वन, ये तो नहीं है, लोरिटा क्रिप्टो, यहाँ पे भी फ्री दोर्व किया गया है, एलन मस्क जो है उनकी तरफ से भी ये किया गया, तो फ्री दोर्व ये देखें। डॉग्स कम्युनिटी जो है वो तो साफ जरा इनके साथ है, डॉग्स कम्युनिटी हर चीज़ इनके साथ दोर्व के साथ शेयर करती है, उन्होंने इनका हैप्पी बर्थडे भी जो है टेलीग्राम का वो भी मनाया था। तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एलन मस्क की अपडेट, ये देखें यहाँ पे वो बताते हैं कि 20 साल की सज़ा, तो यहाँ पे और इनकी जो है ट्वीट रीट्वीट जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ये सारा आज तो वर्क भी ध्रुव की जो है रिलीजिंग के लिए जो है किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं ना, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आ जाएं, डेंजरस टाइम, वाओ, यंग मैन आर लीविंग द डेमोक्रेटिक पार्टी, तो ये सारा कुछ जो है यहाँ पे किया जा रहा है। 20 इयर्स एलन मस्क की मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जो भी बड़े बड़े लोग हैं, तो वो था सीजी था, इतना जो है उनको अरेस्ट किया गया, इतने दिन वो वहाँ पे रहा था, बट ये जो है नहीं रहने वाला, इसके ताल्लुक ही इतने हैं कि ये बहुत जल्द जो है बाहर आ जाएगा। तो एलन मस्क की मैं अभी अपडेट देख रहा था, तो यहाँ पर वो फ्री दोर्व की जो है उनकी एक ट्वीट आई हुई थी, ये देखें, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगी फ्री दोर्व, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं इसी वीडियो के अंदर मेरे ख्याल में वो बताते हैं कि मेरी टीम को जो है यहाँ पे इन्होंने अमेरिका वालों ने फोर्स किया था डाटा के लिए। बहरहाल जो चीज़ें थी मैंने आपको बताई, अब सवाल ये पैदा होता कि हमें डॉग्स टोकन मिलेंगे, कल लिस्टिंग है या नहीं है, तो 90% चांस है कि ये रिलीज़ भी होगा और कल को डॉग्स जो है वो लिस्ट भी होगा। अगर इसकी वजह से मार्केट की सूरत हाल देखी जाए, तो यहाँ पे देखें टोन कल तकरीबन $7 पे पहुँचने वाला था, अभी थोड़ा सा पंप कर रहे हैं, अब जो है $5.4 पे आ गया, सीधा $1.5 से $2 लॉस में आ गया। तो ये है मार्केट की सूरत हाल, नॉटकॉइन पूरी मार्केट जो है वो क्रैश हुई है। यहाँ पर देखें तो ये देखें अभी थोड़ी सी ग्रीनरी नज़र आ रही है, यहाँ पे जो है तकरीबन 36% जो है कम हुआ है, आइस 10% जो है वो डंप गया है, यहाँ पे सारे टोकन जो है वो ऑलमोस्ट जो है डंप गए हैं। तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द रिलीज़ भी होगा और टोकन का लिस्ट भी होगा, तो जिनको अभी तक रिसीव नहीं हुए, बिटगेट और बायबिट के अंदर रिसीव हो गए हैं, बायबिट के अंदर आज हुए हैं, बिटगेट के अंदर कल हुए थे, OKX और बैनांस वाले वो वेट करें, इनकी न्यूज़ जो है कल दूँगा। बाकी जो है मैंने आपको बताया यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मैंने बिनांस की भी शेयर की थी, ये देखें कि बिनांस का जिन्होंने एड्रेस लगाया था उनको लिस्टिंग से 1 घंटा पहले जो है टोकन मिल जाएंगे, तो बिनांस वाले अपनी जो है शांति रखें, बिनांस वाले अभी वेट करें। बाकी कल मैं लाइव आऊँगा, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो करेंगे, मैं आपको उनके जवाब दूँगा। तो होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर कोई और आपका क्वेश्चन हो तो कमेंट करें, उसका भी मैं आपको आंसर कर दूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।